दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने दो कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जो कि 1 साल वैलिडिटी के साथ और 6 महीने वैलिडिटी के साथ है। इसमें आपको वीडियो कोर्स के साथ साथ पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और काउंसलर द्वारा इसका सॉल्यूशन मिलेगा। यूट्यूब पे आप प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को सिस्टमेटिकल ऑर्डर से भी देख सकते हो, और अगर पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहो तो आप हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल को डाउनलोड कर लें। इसके अलावा फ्री नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन के जो 3 डॉट है उसमें आपको स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा, यहां से आप फ्री नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मार्केट फेलियर का एक सोर्स होता है जिसको बोलते हैं हम पब्लिक गुड्स। तो इस वीडियो में हम बच्चों से डिस्कस करेंगे कि क्यों आखिरकार पब्लिक गुड्स की वजह से मार्केट सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, या मार्केट सिस्टम किस तरीके से पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड कराने में फेल हो जाता है। तो बच्चों, पब्लिक गुड्स मैं आपको समझाऊं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि गुड्स की फीचर्स के अकॉर्डिंग हम उसको रायबल या नॉन रायबल भी बोल सकते हैं, एक्सक्लूडेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि रायबल गुड्स और नॉन रायबल गुड्स में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जब आप किसी गुड्स को कंज्यूम करते हो तो उस कंज्यूम करने के बाद कई बार गुड्स की अवेलेबिलिटी दूसरों के लिए खत्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने पानी पिया, तो जैसे मैं पानी पीऊंगा उस पानी की अवेलेबिलिटी आपके लिए नहीं रहेगी, तो इस तरह की गुड्स रायबल गुड्स होगी। दूध है, पानी है, पनीर है, ये मार्कर है, या ये मेरी जो टी शर्ट है वो मैंने पहनी हुई है, ये टीवी है, ये सारी की सारी रायबल गुड्स है। क्योंकि जैसे ही एक व्यक्ति से कंजम्पशन करता है दूसरे के लिए अवेलेबल ये नहीं रहेगी। जैसे मान लीजिए मैंने अगर ये टी शर्ट पहनी हुई है, तो जिस समय मैं ये टी शर्ट पहन रहा हूं उस समय उस टी शर्ट का कोई और प्रयोग नहीं कर सकता है। तो ये गुड्स जो है वो रायबल गुड्स है, क्योंकि जैसे ही एक कंजम्पशन करता है दूसरे के कंजम्पशन की अवेलेबिलिटी में या सेटिस्फेक्शन के लेवल में कमी देखने को मिलती है। नॉन रायबल गुड्स वो होती है जिसको एक साथ बहुत सारे लोग कंजम्पशन कर सकते हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति कंजम्पशन करता है तो दूसरे के सेटिस्फेक्शन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए आप मूवी हॉल में देख रहे हैं, तो मूवी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, यानी कि एक व्यक्ति मूवी देखने से दूसरे व्यक्ति के मूवी में किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं आती। मैं देखिए सीट की बात नहीं कर रहा हूं, सीट जो है वो तो राइवल है क्योंकि एक बैठेगा दूसरा नहीं बैठेगा, लेकिन मूवी जो चल रही है वो एक तरीके से नॉन राइवल गुड्स है। जैसे मान लीजिए मैं वीडियो आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये वीडियो भी नॉन राइवल है, क्योंकि अगर मान लीजिए इस वीडियो को 2 लोग और देखते हैं तो आप पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके सेटिस्फेक्शन में इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। तो इसका मतलब राइवल गुड्स वो होती है जिसमें अगर एक व्यक्ति कंजम्पशन करता है तो दूसरे के लिए वो गुड्स अवेलेबल नहीं होती है, और नॉन राइवल वो होती है जिसमें अगर एक व्यक्ति कंजम्पशन करता है तो दूसरे के लिए गुड्स की जो अवेलेबिलिटी है वो उतनी ही रहती है इतनी कि पहले के लिए रहती है। इसी तरीके से बच्चों एक्सक्लूडेबल गुड्स होती है। एक्सक्लूडेबल गुड्स वो होती है जिस का कंजम्पशन करने से नॉन पेयर को रोका जा सकता है, यानी कि जिसने पेमेंट किया है उसी को ही गुड्स मिलेगी, जिसने पेमेंट नहीं किया उसको गुड्स के सिस्टम से बाहर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अब मेट्रो में चढ़ते हो, मेट्रो की टिकट नहीं लेते हो तो मेट्रो से आपको उतार दिया जाएगा, बस में चढ़ते हो बस की टिकट नहीं लेते हो बस से आपको उतार दिया जाएगा, प्याज खरीदते हो प्याज के पेमेंट नहीं करते हो तो प्याज आपको नहीं खरीदने को मिलेगी। इसी तरीके से आप पिज्जा भी आपको नहीं मिलेगा अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, इंटरनेट का मोबाइल कनेक्शन भी आपका बंद कर दिया जाएगा अगर आप पेमेंट नहीं करते हो। ये सारी की सारी गुड्स एक्सक्लूडेबल हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं इंटरनेट का यूज कर रहा हूं, इंटरनेट का यूज करते करते 15 तारीख को मान लीजिए इंटरनेट की लास्ट डेट है, 15 को मैंने पेमेंट नहीं किया, 16 को इंटरनेट चलेगा ही नहीं, इसका मतलब ये तमाम चीजें एक्सक्लूडेबल गुड्स हैं। और नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स वो होती है जिसमें नॉन पेयर को मार्केट सिस्टम में गुड्स को कंज्यूम करने से रोका नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए सड़क पे मिलने लगने वाली रोशनी है, सड़क पे की रोशनी को उस व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता जिसने उससे पेमेंट किया नहीं है। इसी तरीके से सड़क है, इसी तरीके से मान लीजिए नेशनल डिफेंस है, नेशनल डिफेंस यानी कि भारत के पास जो परमाणु बम है उसका फायदा मुझे भी मिल रहा है, मैं भी देश की मेरे देश की सुरक्षा है तो मैं भी सुरक्षित हूं। सिंपल शब्दों में कहने का मतलब यह हुआ कि जो नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स होती है उसमें नॉन पेयर भी कंजम्पशन करता रहेगा। तो पब्लिक गुड्स के अंदर जो फीचर्स होते हैं उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों पब्लिक गुड्स क्या होती है। पब्लिक गुड्स होती है जो कि नॉन राइवल होती है, नॉन एक्सक्लूडेबल होती है और नॉन रिजेक्टेबल होती है। 3 फीचर होते हैं पब्लिक गुड्स के जिसके बारे में हम एक एक करके आपको समझाएंगे। जैसे देखिए पब्लिक पार्क है, या मान लीजिए कोई ड्रेनेज सिस्टम है, या मान लीजिए पुलिस है, पुलिस की सुरक्षा हम सबकी कर रही है, आपकी भी सुरक्षित होंगे हम भी सुरक्षित रहेंगे जबकि पुलिस के लिए हम कोई पेमेंट नहीं करते, या स्ट्रीट लाइट है, ये सारी की सारी पब्लिक गुड्स है। यानी कि पब्लिक गुड्स वो गुड्स होती है जिसके अंदर नॉन रायबल नॉन एक्सक्लूडेबल का फीचर पाया जाता है। यानी कि नॉन रायबल और नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या हुआ कि ये वो गुड्स होती है
जिसमें अगर एक व्यक्ति पेमेंट करता, एक व्यक्ति कंज्यूम करता है, तो दूसरे व्यक्ति के लिए इसकी अवेलेबिलिटी में किसी प्रकार की कमी देखने को नहीं मिलती। यानी कि जो पब्लिक पार्क है वो जितना मेरे लिए है उतना ही आपके लिए। अगर मैं पब्लिक पार्क में चला जाता हूँ तो इससे आपके सेटिस्फेक्शन में क्या कमी आएगी? आप के सेटिस्फेक्शन में तो किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। यानी कि इसीलिए इनको कहा गया नॉन रायबल। दूसरा नॉन एक्सक्लूडेबल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका इंजॉय, इसका बेनिफिट वो व्यक्ति भी उठा सकता है जिसने इसको बनाने में किसी भी तरीके से पेमेंट नहीं किया। यानी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति टैक्स का पेमेंट नहीं करता तो क्या वो पार्क नहीं जा सकता? वो पार्क जा सकता है। अगला, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट इसे प्रोवाइड करती है तो कोई भी व्यक्ति इसको ये नहीं कह सकता कि ये नॉन रिजेक्टेबल है, यानी कि उसको लेने से मना नहीं कर सकता। अगर सड़क पे रोशनी सरकार ने लगा दी है तो कोई व्यक्ति जो सड़क से गुजर रहा है वो ये नहीं कह सकता कि मैं इस रोशनी को मैं प्रयोग नहीं करूंगा। यानी कि तीन फीचर्स होते हैं, नंबर वन इट्स अ नॉन रायबल, नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन रिजेक्टेबल। तो ऐसी गुड्स में एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू नहीं होता है जिसकी वजह से मार्केट सिस्टम इस तरीके गुड्स को प्रोवाइड कराने में सफल नहीं हो पाता और एक समस्या आती है इसकी फ्री राइडर की। उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं जिससे कि आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से बच्चों समझ में आ जाए। देखिए अगर हम बात करें, देखिए दो तरीके गुड्स की हम बात करेंगे, एक हम बात करेंगे प्राइवेट गुड्स की, प्राइवेट गुड्स की, और दूसरा हम बात करेंगे पब्लिक गुड्स की, पब्लिक गुड्स की। तो दोनों के बारे में ही हम आप बच्चों को डिटेल में आपको समझाएंगे, पब्लिक गुड्स क्या होती है, प्राइवेट गुड्स क्या होती है, पूरी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बच्चों देखिए, सबसे पहले हम प्राइवेट गुड्स की बात कर रहे हैं। तो प्राइवेट गुड्स के अंदर जो सबमिशन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि किस तरीके से होता है मैं आपको समझा देता हूं। बच्चों देखिए, मान लीजिए ये है डिमांड कर्व ए का, यानी कि ये ए का डिमांड कर्व है, ठीक है। इसी तरीके से ये मान लीजिए बी का डिमांड कर्व है, यानी कि ये डी का ए का डिमांड कर्व है, ये बी का डिमांड कर्व है, और जो मार्केट डिमांड कर्व बनाएंगे तो दोनों का सबमिशन कर देंगे और सबमिशन होगा हॉरिजॉन्टल सबमिशन। यानी कि यहां तक तो मार्केट डिमांड जो है वो बी का ही रहेगा क्योंकि बी अकेला ही है, और ये दोनों को जोड़ के बन जाएगा। ये हमारा मार्जिनल बेनिफिट भी आप बोल सकते हो, या आप इसे मार्केट डिमांड कर भी बोल सकते हो, मार्केट डिमांड कर भी आप बोल सकते हो। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो प्राइवेट गुड्स है, हम पब्लिक गुड्स की बात नहीं कर रहे, हम प्राइवेट गुड्स की बात कर रहे हैं। प्राइवेट गुड्स में इस तरीके से प्राइस डिसाइड होने का काम जो करता है वो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस करते हैं, सब जानते हैं, आप बच्चे जानते ही होंगे। तो मान लीजिए ये डिमांड है जिसको, सॉरी सप्लाई है जिसको क्या मार्जिनल कॉस्ट भी बोल सकते हो। अब इस केस में जो इक्विलिब्रियम होगा मार्केट का वो ये वाला होगा जहां पे डिमांड एंड सप्लाई बराबर है। यानी कि मार्केट में मान लीजिए इक्विलिब्रियम पॉइंट आया ई, इसका मतलब मार्केट जो है वो टोटल मिलाकर कितनी गुड्स बनाएगी, गुड्स बनाएगी मान लीजिए 100, और प्राइस जो चार्ज करेगी वो चार्ज करेगी मान लीजिए 100 या 10 रुपीज मान लीजिए प्राइस चार्ज किया। इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपीज प्राइस पर जो भी चाहे वो गुड्स को खरीद सकता है। यानी कि टोटल मार्केट जो गुड्स बना रहा है वो कितनी बना रहा है, 100 बना रहा है। अब ए जिसकी डिमांड कर्व नीचा है वो क्या करेगा, 10 रुपए के हिसाब से मान लीजिए 30 गुड्स खरीद लेगा, और जो बी है वो 10 रुपए के हिसाब से 70 गुड्स खरीद लेगा। यानी इस केस में एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने कोई पेमेंट नहीं किया वो किसी भी तरीके से गुड्स को बाय करने में फेल हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से प्राइवेट गुड्स के केस में जो हमारी डिमांड बन रही है वो किस तरीके से बन रही है, देखिए इस तरीके से बन रही है, डिमांड ऑफ ए यानी कि जो वो खरीद रहा है प्लस डिमांड ऑफ बी मिलके बन रही है मार्केट डिमांड। तो इस तरीके से बच्चों हमारी मार्केट डिमांड आ गई। अब हम बात करते हैं प्राइवेट पब्लिक गुड्स की। पब्लिक गुड्स के केस में इस तरीके से डिमांड कर्व हम हॉरिजॉन्टल सबमिशन ना होके वो वर्टिकल सबमिशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक गुड्स के केस में जो गुड्स है वो सभी के लिए इक्वल मात्रा में उपलब्ध होती है। यानी कि डायग्राम के थ्रू हम समझे तो देखिए, ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मान लीजिए डिमांड है ए का, यानी कि ए उतनी डिमांड कर रहा है। ये मान लीजिए डिमांड है बी का,
जैसा कि मैंने आपको बताया, इस केस में जो डिमांड है वो हॉरिजॉन्टल सबमिशन होता है, यानी कि ए की डिमांड और बी की डिमांड इस जगह पर, क्योंकि इस जगह पर केवल बी की डिमांड है, ए की डिमांड है नहीं है, और इसको अगर हम जोड़ देंगे तो इस तरीके का डिमांड कर्व बनेगा, जोड़ के इसे कहते हैं मार्केट डिमांड, इसको मैं बोल देता हूं डिमांड ऑफ मार्केट। इक्विलिब्रियम तब होगा जब मार्जिनल डिमांड यानी कि डिमांड कर्व को सप्लाई कर्व इंटरसेक्शन करे। बिल्कुल सिंपल सी बात है ये, तो मान लीजिए ये सप्लाई कर्व है, ये इंटरसेक्शन कर रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट है ई। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि हॉरिजॉन्टल सबमिशन है, इसका मतलब ये हुआ कि एक बार जो गुड्स डिसाइड हो गई वो सभी के लिए बराबर बराबर मात्रा में उपलब्ध होगी। मान लीजिए 10 फ्लाईओवर बने पब्लिक गुड्स के माध्यम से, तो ये 10 मेरे लिए भी 10 है, आपके लिए भी 10 है, यानी कि जो ए है मान लीजिए वो 5 रुपीज देने को रेडी है, जो बी है मान लीजिए वो 10 रुपए देने को रेडी है, जबकि मार्केट में जो प्राइस हुआ है वो 15 रुपए हुआ है। यानी कि इस केस में जो व्यक्ति पेमेंट नहीं करता उसके लिए भी गुड्स 10 उपलब्ध है, जो पेमेंट करता है उसके लिए भी 10, जो 5 रुपए देता है उसके लिए भी 10 उपलब्ध है, जो 10 देता है उसके लिए भी 10 है, और जो नहीं दे, जो मतलब ओवरऑल कहने का मतलब यह हुआ कि इस वाले केस में एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू हो रहा था, यानी कि 10 रुपए पेमेंट करने के बाद ही आपको गुड्स मिलती थी, चाहे आप 30 ले लो चाहे 70 ले लो, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपको गुड्स नहीं मिलेगी। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ है कि क्वांटिटी 10 डिसाइड हो गई है, और जब एक बार क्वांटिटी डिसाइड हो जाती है तो प्राइस का जो आधार होता है या प्राइस का जो बेस होता है वो ये रहता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस वहां पे रहते हैं, यानी कि अलग अलग प्राइजेस के बेस पर ही आप अलग अलग क्वांटिटी को बाय कर सकते हो। तो बच्चों इस केस में हमारी जो जी है यानी कि जो पब्लिक गुड्स है ए के लिए, उतनी ही पब्लिक गुड्स बी के लिए है, और उतनी ही पब्लिक गुड्स मार्केट में अवेलेबल है। तो बच्चों इस वजह से मार्केट मैकेनिज्म काम नहीं करता, यानी कि मार्केट मैकेनिज्म कम काम करता जब डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस सही तरीके से एलोकेटिव एफिशिएंसी करते, यानी कि हर व्यक्ति पेमेंट करता 10 रुपए और उसी हिसाब से क्वांटिटी बाय कर लेता। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो क्वांटिटी है वो 10 है, यानी कि क्वांटिटी सभी के लिए 10 है, जिसकी वजह से फ्री राइडर प्रॉब्लम आ जाएगी। फ्री राइडर कौन होता है बच्चों, उसके बारे में भी हम एक बार समझ लेते हैं कि फ्री राइडर इज एन इंडिविजुअल हु रिसीव बेनिफिट, जो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड्स बट डज नॉट पे एनीथिंग, यानी कि वो पेमेंट कोई नहीं कर रहा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं, मान लीजिए कि हमारी गली में लाइट खराब हो गई, मेरे घर की लाइट खराब होती तो मैं जाता मैकेनिक को बोलता भाई मेरी लाइट ठीक कर दो, पेमेंट जो बनती उसे मैं दे देता। गली की लाइट खराब हुई और उसे ठीक करने में मान लीजिए मात्र 1000 रुपए लगेंगे, और पूरी गली में केवल मान लीजिए 10 परिवार है, यानी कि हर व्यक्ति अगर 100-100 रुपए दे तो गली की लाइट ठीक हो सकती है। लेकिन कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि भाई हम तो पैसे नहीं देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 2 लोग पेमेंट नहीं करते तो उनका वजन बचे हुए 8 लोगों पर आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम 8 लोग मिलकर पेमेंट कर भी दें तो वो 2 लोग जिन्होंने कोई पेमेंट नहीं किया वो भी उन बेनिफिट उठा पाएंगे। यानी कि अगर पूरी गली की स्ट्रीट लाइट खराब हुई है, पब्लिक लाइट खराब हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको ठीक कराने में जो फायदा है वो हमें कम मिल रहा है, उसको ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि वो पेमेंट नहीं करने के बाद भी फायदा उठा पा रहा है। तो इस तरीके का बच्चों होता है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि पब्लिक गुड्स को मार्केट मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं करा सकता। अगर हम डायग्राम की बात करें, अगर मान लीजिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर ए कह दे कि हाँ जी मैं 5 रुपए देने को तैयार हूं, बी कह दे मैं 10 रुपए देने को तैयार हूं, इसका मतलब मार्केट जो है वो इस तरीके की गुड्स को प्रोवाइड करा सकता है। लेकिन क्योंकि ए 5 रुपए दे रहा है, उसके बावजूद भी ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो कहे कि हम तो पेमेंट नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो गुड्स को बाय करने में सफल हो जाएगा। इसीलिए पब्लिक गुड्स के केस में मार्केट मैकेनिज्म काम नहीं करता है। तो इसके लिए बच्चों हम एक पे ऑफ मैट्रिक्स और आपको समझा देते हैं। तो देखिए यहां पे हमने आपको एक पे ऑफ मैट्रिक्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट मैकेनिज्म अगर सही से काम करे, यानी कि अगर दोनों के दोनों सही तरीके से पेमेंट कर दे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। जैसे मान लीजिए हम सपोज कीजिए, चलिए हम ये मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि जो टोटल पेमेंट करनी है टोटल वो 15 रुपए करनी है, यानी कि 15 रुपए उसकी कॉस्ट है, 15 रुपए में से जो बेनिफिट मिल रहा है, मार्जिनल बेनिफिट मिल रहा है ए को, हम चलिए सिंपल मानने के लिए मान लेते हैं 10 है, और जो बेनिफिट मिल रहा है बी को वो मिल रहा है 5 का, और टोटल मिलाकर जो मार्जिनल बेनिफिट है वो हो रहा है 15 का। हम ये मान लेते हैं सिंपल एग्जाम्पल करने के लिए।
अब देखिए यहां पे हम ये बात कर रहे हैं कि अगर ए 10 रुपए दे दे, बी 5 रुपए दे दे, तो मार्केट में गुड्स को आराम से प्रोवाइड किया जा सकता है, क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी 15 आ रही है। लेकिन दिक्कत क्या आएगी, देखिए यहां पे हम एक पे ऑफ मैट्रिक्स बना रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि बी ए 10 रुपए दे देगा, बी 5 रुपए यानी कि रेस्ट अमाउंट दे देता है या रेस्ट अमाउंट नहीं देता है, दोनों कंडीशन को पॉसिबल है। अगर मान लीजिए ए 10 रुपए दे देता है, मान लीजिए ए 10 रुपए दे देता है, जबकि उसको बेनिफिट कितने का मिल रहा है, 10 रुपए का मिल रहा है। यानी कि अगर ए ने 10 रुपए दिए, बी ने 5 रुपए दिए, तो इसका मतलब ए को कितना फायदा हुआ, देखिए बेनिफिट उसको मिल रहा है 10 का और उसने पेमेंट किया 10 का, इसका मतलब उसको जो नेट गेन हुआ है वो 0 का हुआ है। ध्यान से समझिएगा, ए ने 10 रुपए दिए, उसको बेनिफिट भी 10 रुपए का हो रहा है, यानी कि नेट गेन जो हो रहा है वो 10 रुपए का हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए ए 10 रुपए दे देता है लेकिन बी रुपए नहीं देता, बी 10 रुपए नहीं देता, तो एक तरीके से तो गुड्स प्रोवाइड होगी ही नहीं। अब जब गुड्स प्रोवाइड नहीं होगी तो उसका पैसा डूब गया, इसका मतलब इस केस में उसका जो लॉस हुआ वो 10 का हुआ। यानी कि अगर ए पेमेंट कर देता है तो उसको और बी पेमेंट कर देता है तो उसको 0 रुपए का गेन होगा, लेकिन अगर ए पेमेंट करता है और बी पेमेंट नहीं करता तो उसको 10 रुपए का लॉस होगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम ये कहें कि ए 5 रुपए का पेमेंट कर देता है और ये उम्मीद करता है कि बी 10 रुपए का पेमेंट कर देगा, तब देखो ए को क्या फायदा हो रहा है, तो उस केस में बेनिफिट है 10 का, उसने पेमेंट किया 5 का, तो इसका मतलब जो नेट गेन हुआ वो 5 का हुआ। लेकिन अगर बी पेमेंट नहीं करता तो जो 5 रुपए ए ने दिए वो लॉस में चले जाएंगे, यानी कि 10 रुपए में से 5 आप सॉरी ये तो जो नेट लॉस होगा वो -5 का होगा। इसी तरीके से अगर ए सोचता है कि भाई मैं तो पेमेंट नहीं करता लेकिन गुड्स मुझे मिल जाए किसी भी तरीके से, तो इसका मतलब है कि जो गेन हुआ वो हुआ नेट गेन हुआ 10 का, जबकि लॉस उसको बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसका मतलब अगर हम प्रिजनर डिलेमा की तरह समझे तो ए के सामने 3 स्ट्रेटजी है, पहला या तो वो 10 रुपए पे करे, दूसरा वो 5 रुपए पे करे, तीसरा वो पेमेंट ना करे। अगर ए इन तीनों रिस्पॉन्स को चलता है और वो बी एज्यूम करता है कि बी की भी स्ट्रेटजी 2 होंगी, तो यहां पे आप देखोगे कि जो बेस्ट स्ट्रेटजी होगी वो रहेगी पेमेंट 0 रुपए करने की। यानी कि इस केस में एक कोई पेमेंट करना नहीं चाहेगा क्योंकि वो जानता है कि अगर वो पेमेंट नहीं करता और उसको गुड्स मिल जाती है तो उसको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। जबकि बी की भी स्ट्रेटजी इसी तरीके की होगी, भाई ए सोचता है कि बी पेमेंट कर दे और मुझे गुड्स मिल जाए, बी सोचता है कि ए पेमेंट कर दे मुझे गुड्स मिल जाए, तो इस तरीके की गुड्स कोई पेमेंट नहीं करेगा। यानी कि अल्टीमेटली पब्लिक पार्क कोई नहीं बनाएगा, टूटी हुई सड़क कोई ठीक नहीं कराएगा, टूटा हुआ बिजली गली की लाइट कोई ठीक नहीं कराएगा, कोई डिफेंस नहीं करेगा, कोई प्राइवेट कंपनी आपको ऐसा रोड बना के नहीं दे सकती जिस पे कोई भी चल सके। यानी कि ऐसे रोडों की जिम्मेदारी, ऐसे डिफेंस की तैयारी फिर सरकार की पड़ती है, तो सरकार के पास किस तरीके से सरकार इनका प्रोविजन करती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि फ्री राइडर की प्रॉब्लम है, अगर फ्री राइडर की प्रॉब्लम नहीं होती तो मार्केट मैकेनिज्म भी पब्लिक पार्क को प्रोवाइड कराने में सफल हो जाता और हर व्यक्ति से उतना चार्ज करता जितना उसको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन क्योंकि इस केस में फ्री राइडर की प्रॉब्लम है इसलिए मार्केट सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा। बच्चों ये हमें समझना पड़ेगा, यानी कि पेरेटो एफिशिएंसी के थ्रू समझने की कोशिश करें तो पेरेटो एफिशिएंसी के थ्रू हमने ये समझने की कोशिश की कि सेटिस्फेक्शन की कंडीशन ये सेटिस्फाइड होती है लेकिन पब्लिक गुड्स के केस में कंडीशन ये वाली लगती है, यानी कि दोनों का सम मिलाकर इसके बराबर होता है। इसलिए बच्चों जो पेरेटो एफिशिएंसी है वो पब्लिक गुड्स के केस में लागू नहीं होती है। अब हम बात करें कि किस तरीके की पॉलिसी जो है वो यूज कर सकती है सरकार पब्लिक प्रोवाइड कराने के लिए, तो एक तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सब्सिडी दे सकती है। यानी कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऐसी कंपनियां प्राइवेट कंपनी है अगर वो पार्क बना दे तो सरकार कहेगी चलो आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी या सब्सिडाइज कर देगी कि भाई आपको पेमेंट हम कर देंगे आप रोड बना दो। तो इस तरीके की पॉलिसी गवर्नमेंट यूज कर सकती है, यानी कि प्राइवेट प्रोडक्शन यानी कि प्राइवेट हाउसेस के लिए। अब जैसे मान लीजिए 10 रुपए ए ने दे दिए, 5 रुपए बी दे दिए को तैयार नहीं है, तो सरकार कहती है चलो 5 रुपए मुझसे ले लो तुम गुड्स बना दो, ऐसा सरकार कर सकती है। दूसरा सरकार क्या कर सकती है कि पब्लिक गुड्स के लिए सरकार टैक्स के थ्रू पैसा इकट्ठा करेगी और उसको फिर गुड्स बना सकती है। यानी कि सरकार क्या करती है, देखिए सरकार को पार्क बनाना है, अब प्रधानमंत्री मोदी जी अपने घर से पैसा तो लेके आएंगे नहीं पार्क बनाने के लिए, या कोई भी मंत्री लेके नहीं आएगा अपने घर से पैसा,
सरकार क्या करेगी, टैक्स के माध्यम से पैसे को कलेक्ट करेगी और टैक्स के माध्यम से कलेक्ट करने के बाद उसको पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करा दी जाएगी। यानी कि सरकार दो तरीके से पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करा सकती है, या तो सब्सिडाइज कर दे कंपनियों को, उनको कहे भाई आपको टैक्स की छूट मिल जाएगी, आप अपनी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करो, इस तरीके का प्रोविजन कर सकती है। और दूसरा तरीका हमने आपको बता दिया कि सरकार टैक्स लगा सकती है। एक और तरीका है बच्चों पेटेंट राइट का, यानी कि सरकार कहती है कि आप पेटेंट राइट है, सरकार कहती है 20 साल 30 साल तुम्हारा राइट है, तुम गुड्स बनाओ और उसके बाद उसे फिर पब्लिक के लिए छोड़ दो। जैसे मैंने देखिए मैंने यही एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था कि दिल्ली में एक डीएनडी फ्लाईओवर था, डीएनडी फ्लाईओवर एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया, 20 साल 25 साल खूब पैसा कमाया उस कंपनी ने, अल्टीमेटली वो जो फ्लाईओवर है वो पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। यानी कि सरकार इस तरीके की भी पॉलिसी अपना सकती है कि कोई प्रोडक्ट निजी हाथों में दे दिया जाए, निजी हाथ उसके पैसे इकट्ठे करे और बाद में उस पर सरकार अपना अधिकार ले लिया पब्लिक के लिए वो फ्री कर दे। तो इस तरीके से सरकार ये प्रोविजन कर सकती है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि आखिरकार पब्लिक गुड्स के केस में मार्केट मैकेनिज्म ठीक से काम क्यों नहीं करता, क्योंकि ऐसी गुड्स का पेमेंट करने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं होता। अगर व्यक्ति तैयार हो जाता तो मार्केट मैकेनिज्म इसको प्रोवाइड कराने में सक्सेसफुल हो जाता, लेकिन क्योंकि पब्लिक गुड्स के केस में फ्री राइडर की समस्या होती है इसीलिए मार्केट मैकेनिज्म इसको प्रोवाइड नहीं करा पाता। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।